उन्होंने माशाल्लाह से बच्चे दे दिए, चेक करें कितने प्यारे लग रहे हैं ना। अब इसको दिल्ली से वापसी रख देते क्योंकि दादी गुस्सा कर रही है। भाई अम्मी ना साइड में खड़ो के मुझे देखे जा रही है, बोली क्यों निकाले इनको बाहर। जी अम्मा तो जरा मार्केट ले चला, मैंने पतीला लाना है। कौन सी मार्केट? कोरंगी मार्केट, ये 6 नंबर की। हाँ। अम्मा मुझे खाली थोड़ी देर दे दो, आप आधा एक घंटा दे दो फिर मैं अच्छा चलता भाई हूं। मैं खुद ले आऊंगी। अम्मा थोड़ी देर दे दो, बोली ना मैं ले आऊंगी खुद रहने दो आप अपना। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं चल रहा हूँ चल रहा हूँ। अच्छा चल रहा हूँ, बुरखा पहनो आप, बुरखा पहनो। अरे मेरी माँ बुरखा पहनो, ये पुराने जमाने की अम्मा है भाई, बोल रही है बुरखा लेकर आओ, मैं खुद पे खुद जा रही हूँ। मैं अभी मजा आने वाला है, अम्मी को बोलूंगा ना अम्मी छोले की चाट के पैसे दिएगा। अम्मी जी 100 रुपए दीजिएगा, 100 रुपए दे दो, मेरे पास अभी नहीं, तो है। नहीं मेरे पास, मेरे पास नहीं है अभी, 100 रुपए दे दो आप, घर चल के ले लूंगी मैं, देख लो। सही है सही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? थंबनेल देख के आपको तो पता चल गया होगा, पर यहाँ पर इन दोनों बच्चों को नहीं पता। अली सबसे पहले आपने काम करना है भाई, माशाल्लाह से अली को ना स्कूल के अंदर 10/10 नंबर मिले। पता है किस चीज में? खाना खाने के आदाब आ गए मेरे माशाल्लाह बेटे को। अली सुनाओ खाना खाने के आदाब। खाना खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह धो लेना चाहिए, और खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, और खाना सीधे हाथ से खाना चाहिए, और खाना खाने को लुकम्बल किया जाए, प्लेट में बाकी न रहे, और खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए, और खाना खाने के बाद हाथों को अच्छी तरह धो लेना चाहिए। माशाल्लाह हसन, माशाल्लाह बोलो। देखो आपके भाई ने कितनी अच्छी बात करी ना अली, अब ये चीज आप अपने भाई को भी सिखाना, ठीक है? ये जब मैं दूसरी क्लास में घूमूं ना तो ये सीखूंगा। जब आपको टाइम मिले ना आप अपने भाई को भी ये चीज सिखाना, ठीक है ना मेरा बेटा? अब मैं आपको एक सरप्राइज दूं, आपने इतनी अच्छी बात करी है। क्या सरप्राइज? अभी मैं ऐसे ही नहीं बताऊंगा, चलो आओ वाले कमरे में चले, आ जाओ हसन जल्दी से आ जाओ भाई, दोनों बच्चों को सरप्राइज दिखाते हैं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। अम्मा कैसी हैं आप? अम्मा मैंने रात को आपके मालिश करी थी वो स्प्रे वाले से, दर्द के ऑयल से, तो उससे फर्क पड़ा? हाँ, अच्छा है। अच्छा है ना ऑयल? हाँ, फर्क पड़ा इस पे? पड़ा है थोड़ा। मैं आप रात को बोली थी आई हुई, मैंने बोला अम्मा के ऑयल लगाओ, अम्मा के दो रहा था, सही हो गया था थोड़ी देर बाद। हाँ। चलो शुक्र अल्लाह पाक का भाई, ऑयल काम आ गया हमारे है। चलो आ जाओ दूसरे रूम में लेके चलते हैं। कोको को चेक करें, कोको ने भुट्टा खा के अपनी चोंच पे कैसे लगाया भाई, ये चेक करें भाई, माशाल्लाह कोको बोलता है बस दाना नहीं दो मुझे भुट्टा देते रहो, है ना हसन? हसन को भी खा जाएगा किसी दिन कोको। चले भाई अब बच्चों को दिखा देते हैं कि सरप्राइज क्या है। अली आपको याद है पापा ने आपके लिए बर्ड्स लाके रखे थे, ये वाले बजरी, पता है आपको? इसके अंदर माशाल्लाह से पहले अंडे आए थे, अब छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी कैसे खेलोगे आप? बुलाऊंगा। कैसे बुलाओगे? बुला के दिखाओ। हसन कैसे बोल रहा है भैया? पप पप करके। अली ये देखो, अली ऐसे नहीं खोलो, ये हैंड टाइम नहीं है, ये बाहर आ जाएगा और ये उड़ के ना घर से बाहर चलेगा, देखो कैसे देख रहा है वो भाई। अब एक काम करते हैं, इसकी मटकी निकालते हैं और आपको बच्चे दिखाते हैं, ठीक है भाई? पहले ना आपके भाई को ना ये मटकी बाहर निकालनी पड़ेगी, इसके अंदर तोती है, पहले मैं चेक कर लेता हूँ। तोता बाहर ना आ जाइए, ये देखें ये अंदर बैठी हुई है, पहले मुझे इसको बाहर निकालना पड़ेगा वरना ये भाई साहब बाहर निकल कर आ जाएंगे। तोती आवाज निकाल रही है, वो ना गुस्सा कर रही है। अब बच्चे बड़े हो गए ना, ये चेक करें, मना कर रही है भाई, मुझे खुद डर लगना शुरू हो गया, बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं पर वो अंदर की आवाज निकाल रही है। ये चेक करें, वो देखें अभी वो अपने बच्चों पे बैठी हुई, अभी ये बाहर निकली। एक काम करते हैं इसको पहले अंदर निकाल देते, बाहर आ जाए और उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओ भाई भाई माशाल्लाह से दो बच्चे इसके अंदर,
और अभी अंडे हैं, अंडे खराब नहीं है, अभी अंडे भी चेक करते हैं। ये चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह, इसके अंदर दो बच्चे हैं भाई और कलर भी बड़े प्यारे हैं, इनके वाइट पर आ रहे हैं ना। अभी दो अंडे हैं, अंडे निकाल के चेक करता हूँ, सही है। ये चेक करें, अंडा सही है भाई, अंडा सही है। काम करते हैं, वापसी रख देते हैं ताकि खराब ना हो। ये चेक करें, अली और हसन को दिखाएं, एक मिनट निकाल के दिखाता हूँ, एक मिनट। ओए ओए ओए, अली देखो कितना प्यारा सा बच्चा है, ये देखो अली, अली ये देखो, हसन हसन ये देखो, नहीं नहीं ठंडा हो रहा है, ये देखो एक एक नहीं है, दो है अली, माशाल्लाह से। ये चेक करें भाई, ये माशाल्लाह से हम खाली ऐसे ही लेकर आए थे कि बच्चे इसमें खेल लेंगे और इसे एंजॉय करेंगे, इन्होंने माशाल्लाह से बच्चे दे दिए। चेक करें कितने प्यारे लग रहे हैं ना अली, देखो माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं ये। अब इसको जल्दी से वापसी रख देते क्योंकि दादी गुस्सा कर रही है। भाई अम्मी ना साइड में खड़े होकर मुझे देखे जा रही है, बोली क्यों निकाले इनको बाहर। अब आपको पता है पुराने जमाने की अम्मा है, गुस्सा करती है भाई। अम्मा रख रहा हूँ भाई, वापसी रख देते। अम्मा बोल रही है उसकी अम्मा से क्यों अलग कर दिया उसको, वापसी रखो उसको। चलो भाई वापसी रख रहे हैं अली। अब क्या खेलना है इसके साथ, अली बोल रहा है खेलना है। अली इससे खेलते थोड़ी है इसके साथ, अभी छोटे बच्चे हैं बहुत ज्यादा। वो देखो इनकी मम्मा परेशान हो गई, बोल गई कि हमारे बच्चों को निकाला इसके अंदर से। अब हम वापसी रख रहे हैं, देखना इनकी मम्मा अंदर चली जाएंगी, देखना जैसे हम यहाँ पे टांगेंगे ना इनका केल वापसी लगा दिया हमने। ये चेक करें, अब इनकी मम्मा वापसी अंदर चली जाएगी, दिखाना कैमरा। अब ये देखो, और माशाल्लाह से अब तोती मटकी के अंदर चले गई है। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक बार और, ये चेक करें, उसने ना अपने बच्चों को अपने नीचे फंसा लिया ताकि उनको हीट वगैरह मिल सके। भाई बाहर नहीं आ रही थी काफी देर से ना, गुस्सा कर रही थी, अंदर से ही आवाजें निकाल रही थी। मैंने बोला लो भाई ये तो बहुत खतरनाक होती जा रही है। हसन आपको तोते कैसे लगे, आपके इतने प्यारे, यहाँ बिठा दूं आपके पेट पे? नहीं। अली आपको कैसे लगे तोते? अली की खुशी तो देखो, अली बोल रहा है पापा थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना उसके बाद मैं इसको बाहर निकाल कर खेलूंगा। हे भाई जान आपने खेलने, ये चेक करें अली क्या करो, क्ले लेकर आए थे कल। भाई कल रात को ना अली बाहर निकला था ना, तो ये चेक करें क्ले लेकर आया था अपनी मम्मा के साथ। हसन के कहा है, कहाँ रखे हैं, खराब कर दिए होंगे। ये भाईजान के पास कोई भी टॉयज आता है, कुछ भी आता है ना, ये 5-10 मिनट टिकता खाली इनके पास, क्योंकि ये खराब कर देते हैं 2 मिनट में। चलें भाई अब आप लोगों को एक और चीज दिखा दूं। साहब जी अम्मा, जरा मार्केट लेते हैं, मैंने पतीला लाना है। कौन सी मार्केट? कोरंगी मार्केट, ये 6 नंबर की। हाँ। अम्मा मुझे खाली थोड़ी देर दे दो, आप आधा एक घंटा दे दो फिर मैं चलता हूँ। खुद ले आऊंगी अम्मा, थोड़ी देर दे दो। बोली ना मैं ले आऊंगी खुद रहने तो आप अपना। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं चल रहा हूँ। अच्छा चल रहा हूँ, बुरखा पहनो आप, बुरखा पहनो। अरे मेरी माँ बुरखा पहनो, पुराने जमाने की अम्मा है भाई, बोल रही है बुरखा लेकर आओ, मैं खुद जा रही हूँ मैं। अच्छा आप दिल्ली से बुरखा पहनो, मैं आपको लेकर चलता हूँ। चले भाई मैं अकेला नहीं जाऊंगा, आप लोगों को भी कोरंगी नंबर 6 की मार्केट घुमाऊंगा, ठीक है? क्या बोल रहे हो अली? एक काम करो आप दादी को अपनी बाइक पर बिठा कर ले जाओ। मैं अपने काम कर लेता हूँ। अली को देखो कितना खुश हो रहा है, हैं? आप भी जाओगे? एक काम करो आप ले जाओ अपनी दादी को बिठा कर, बाइक की चाबी दे दूं। क्या हुआ? नहीं मैं तो नहीं जा रहा। नहीं जाने दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नियायत रहम वाला है। अम्मी अभी तक रेडी नहीं हुई है, और ये चेक करें, ये भाईजान अपने शूज पहन कर आ गए और बिल्कुल रेडी हो गए। कहाँ जा रहे हो? मार्केट। कौन सी मार्केट? 6 नंबर की मार्केट। मैं आपको वहीं पर छोड़ कर आऊंगा बेटा। हाँ अच्छा सफर की दुआ पढ़ा दो जल्दी से। नमून कली बून, इंशाल्लाह जैसे ही मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा ना, इसकी जबान भी क्लियर हो जाएगी, उतना मजा आएगा ना, उतनी अच्छी लगेगी ना इसकी आवाज में, माशाल्लाह। चलें ली दोनों भाई रेडी होकर आ गए, अभी तक मेरी अम्मी नहीं आई। भाई आ गई अम्मी, आ गई। अम्मा जी गुस्से से क्यों देख रही हैं? ये इसका नाक का ढक्कन लेना। चलो भाई कोरंगी नंबर 6 की मार्केट, और आखिरकार मेरी अम्मा जी मुझे गन पॉइंट पर लेकर आ गई 6 नंबर की मार्केट। ये चेक करें भाईजान, दादी गुस्सा कर रही थी, फिर हमें ना 6 नंबर की मार्केट आना पड़ा। मुझे लग रहा है कि मैं हसन को यहीं छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि ये खाना पेट भर के नहीं खाता। हुई 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 हुई, भाई यहाँ पर डॉगी नजर आ गए, अब हसन को यहीं छोड़ के जाएंगे हम, ठीक है?
भाई मैंने यहाँ पर पतीला पकड़ लिया और वहाँ पर दादी पोते साथ जा रहे हैं वो चेक कर। दोनों ठीक ठाक तंग करते हैं अम्मी को मेरी, पर वही बात है ना, अम्मी मोहब्बत भी सबसे ज्यादा इन दोनों से ही करती हैं। अम्मा जी ये पतीला लेकर निकली हैं घर से, इसका खाली ढकना लेना है। उसके लिए अम्मा ने कहा 6 नंबर मार्केट जाना पड़ेगा। और अभी ये पीछे बाजार चल रहा है यार, ये चेक करें, यहाँ पे बर्तन वाले हैं और यहाँ पे सारे सुनार बैठे हैं। अम्मा ने भी भाई पुराने ज़माने का माल जमा करके रखा हुआ है, ये चेक करें, ये मेरे अब्बू के दौर का है, ये मेरे अब्बू लेकर आए थे चीज़ें ना। पतीला भी भाई बहुत भारी है ये चेक करें। अब यहाँ पर अम्मा चेंज करवाएंगी इसको। अम्मा आप सही तरीके से चेक कर लें इसको, ठीक है भाई। मैंने बोला अम्मी ये वाला ले लें, ये अच्छा लग रहा है, बेसन हो ना, अम्मी घर जाके बोलें तुमने अपनी क्यों चलाई, मेरी शामत आ जाएगी। फिर अम्मी ने मेरी बेइज्जती कर दी, बोली तुम खामोश होके खड़े हो जाओ, तुम्हें कुछ पता है नहीं ढकनों के बारे में। वो देखिए अम्मी ने वो हटवा दिया। अब अम्मी बोली भाई दूसरे ऑप्शन दिखाओ मुझे, ये ले भाई जान। और आखिरकार अम्मा की शॉपिंग हो गई भाई, अम्मा को ढकना मिल गया पतीले का। अब अम्मी को बोलते हैं कि अम्मी एक काम करें, आपने 600-700 रुपये का ढकना लिया है, छोले की चाट तो खिला दें। अम्मी छोले की चाट कहाँ से मिलेगी यहाँ पर, मेरे ख्याल से पीछे की साइड पर है, इधर आओ आओ। अभी मजा आने वाला है, अम्मी को बोलूंगा ना अम्मी छोले की चाट के पैसे दिएगा, अम्मी बोलेगी वाह भाई वाह यहाँ पे भी मेरा खर्चा। भाई आखिरकार आपका भाई पहुंच गया, चेक करें छोले की चाट 6 नंबर के अंदर ना। अब यहाँ से अम्मी को बोलता हूँ, अम्मी जी 100 रुपये दीजिएगा बेटा, पहले तो इसमें मिला के दे दी मैंने, 100 रुपये आपके सामने 600 रुपये का लिया था, 100 रुपये दे दो मेरे पास, अभी नहीं तो है नहीं, मेरे पास नहीं है अभी, 100 रुपये दे दो आप, फिर घर चल के ले लूंगी मैं, देख लो सही है सही है। मैंने 100 रुपये बोलिए घर चल के वापसी लूंगी मैं। भाई जान 100 रुपये की बनाइएगा। और ये क्या है भाई, खून निकल रहा है, नहीं वो मेहंदी लगाई हुई अली, 100 रुपये की दे दीजिएगा, थोड़ी चटपटी बना दीजिएगा। भाई 6 नंबर मार्केट आए और ऐसे छोले की चाट ना खाएं, आए हाय ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। अम्मी से बड़ी मुश्किलों से 100 रुपये लिए। क्या देख रहे हो आप दोनों नीचे, बिल्ली को देख रहे हो, ये लीजिए बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी ने मार्केट में ना बहुत प्यार से बात करी, अभी घर जाके गुस्सा करेंगी, बोलेंगी 100 रुपये दो सबसे पहले 100 रुपये। अम्मी आपको 100 रुपये वापसी तो नहीं चाहिए ना? नहीं चाहिए मेरे को, मैं घर चढ़ के लूंगी, मुझे अभी चीजें लेनी पीर बाजार से। अम्मी आपने छोले नहीं खिला सकती हैं, मैं छोले नहीं खाती ना खिलाती। इन दोनों के देखें कैसे मजे आए हैं भाई, ये दोनों मार्केट के अंदर देखें कैसे घूम रहे हैं, सही मजे आए हैं अली आपके और हसन के। भाई मैंने सोचा घर जा रहा हूँ तो क्यों ना कामरान भाई के दाल चावल लेता हुआ जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई, कैसे हैं भाई? ये मेरे दोस्त हैं और माशाल्लाह से इन्होंने दाल चावल लगाए। कामरान भाई पीली वाली दाल और चावल पार्सल कर दो यार, घर जाके खाऊंगा, सही है ना? ये चेक करें भाई, कामरान भाई खड़े हैं बिल्कुल कल्लू चौक पर, कोरंगी नंबर 4 पे चढ़ाई से जैसे ही आप नीचे आते हैं ना। कितने बजे से कितने बजे तक लगा दो कामरान भाई दाल चावल? 9:30-10 बजे लग जाता बात भाई, 4 बजे तक होता, 4 बजे तक होते हो, उसके बाद खत्म माशाल्लाह से। अरे माशाल्लाह फुल चटनी वटनी है जबरदस्त यार, कितने की दे रहे हो प्लेट? 70 रुपए की दाल चावल की प्लेट है और चना जो है 100 रुपए का प्लेट, दाल चावल की प्लेट 70 रुपए की, 100 रुपए से भी अंदर का मार्जिन रख के दे रहे हैं, अच्छी बात है यार, लोगों के लिए आसानियां करनी चाहिए। लो पार्सल कर दो, ये चावल ले लिए और माशाल्लाह से दाल भी पार्सल करा लिए, कामरान भाई की मोहब्बत में ये दाल चावल ले लिए 70 रुपए के, कोरंगी नंबर 4 से जैसे ही आप सीधे आओगे ना भाई, ये बाप भाई का होटल है बिस्मिल्ला फूड और सामने ही कामरान लगाया हुआ दाल चावल। हम घर पर आ गए, दादी का पतीला लेके। शुक्र है अली, ये बहुत बड़ा काम था दादी का भाई, अगर हम ये ढकना नहीं लाते ना आज हसन हम घर में नहीं होते भाई, बहुत मुश्किल हो जाता है आपको बताऊँ ना, जॉब उसके बाद ये लव बर्ड माशाल्लाह से, उसके बाद घर वालों के काम, उसके बाद वीडियो एडिट करना, बहुत मुश्किल है यार अपनी डेली लाइफ को एडजस्ट करना। पर यार आप लोगों की मोहब्बत में ना यकीन करें, एक दिन सोचता हूँ कि गैप रखूँ, पर नहीं, जब आपकी मोहब्बत देखता हूँ ना मैं, लोगों के कॉमेंट आते हैं अच्छे अच्छे, तो मेरा दिल करता है नहीं फात भाई अब तो डेली बनेगा। चलो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे बाइक गिर रही है, अरे बाइक गिर रही है भाईजान, अरे भाईजान बाइक गिर रही है भाईजान। ये आ गई हमारी छोलों की चाट, ये आ गए हमारे दाल चावल। अब पहले एक काम करते हैं, पहले मैं आपको लव बर्ड के पास लेकर चलता हूँ ऊपर छत पर, उसके बाद ये बैठ के खाएंगे। और इस बच्चे ने मुझे सुन लिया है, अब मुझे लग रहा है ये मुझे छोड़ेगा। ऊपर जा रहा लव बर्ड के पास, नहीं 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 नहीं, इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ। बेगम ये चेक करें मैं आपके लिए क्या क्या लाया हूँ, दाल चावल लाया हूँ और छोलों की चाट जो आपने मंगवाई थी, दाल चावल, दाल चावल, अरे चटनी वाले मजे वाले हैं ये, खा के देखें। आप लोग एक काम करें, जब तक प्लेट में निकाले मैं ऊपर से होकर आ रहा हूँ, खाली 2 मिनट में।
भाई मैंने ना अपने बर्ड जूम में कल रात को थोड़ा सा काम करा है, मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाना चाहिए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बंद करो सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चेक करें। अब आप बताएं आप लोगों को इसमें चेंज क्या क्या लग रहा है। ये चेक करें भाई, पेनाफ्लेक्स लेकर आया था कल आपका भाई, यहाँ पर पूरा बांध दिया मैंने, थोड़ा सा छोड़ा खाली वेंटिलेशन के लिए। एक बंदे का कमेंट आया था कि फहद भाई आपका जो बड़ा जाल लगा है ना उसको बंद करें क्योंकि वहां से रात को ठंडी हवा आती है। मैंने कहा भाई जान थैंक यू सो मच। ये चेक करें, आपके भाई ने पैक कर दिया, अभी मशीन बंद है, ये खुलेगी रात के टाइम पे, मगरिब के टाइम पे मैं ऑन करता हूँ, फिर मैं रात को ऑफिस से जब आता हूँ ना 2:30 बजे फिर मैं इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि भाई बिजली का बिल भी तो देखना है ना। अच्छा अगर मैं बात करूँ ना सॉफ्ट फूड की तो कमेंट आया हुआ फहद भाई सॉफ्ट फूड क्या क्या देते हैं आप अपने बर्ड्स को। भाई टोटली दालें देता हूँ मैं, ठीक है ना, जितनी भी दालें हैं मूंग की दाल, छिलको वाली दाल, चने की दाल, ये सब रात को भिगो के रख देता हूँ, सुबह अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर देता हूँ। इसके अलावा लूसन हो गया, धनिया हो गया, ETC सब देता है आपका भाई। एक आखिरी बात बताता चलूं आपको, यार आपकी फैमिली और अगर दोस्त में से किसी एक को चुनना हो ना तो यार आप अपनी फैमिली को चुनिएगा, क्योंकि यार देखें आपकी फैमिली ना आपके साथ बहुत ज्यादा क्लोज होती है। आपने, मैं अपनी लाइफ बताता हूँ, मैं कभी तन्हाई में बहुत ज्यादा परेशान होता था ना, तो मैं कहीं अकेला बैठा हुआ होता था तो मेरे दोस्तों को मैं कॉल करता था ना, कोई कॉल नहीं उठाता था। फिर एंड में पता है मेरे साथ क्या होता था, मैं कहीं अकेला गमगीन बैठा हूँ तो मेरी अम्मी की कॉल आती थी, कहाँ पर है भाई, दिल्ली से घर पर आ जा, देर टाइम क्या हो रहा है। उसके बाद फिर वाइफ की कॉल आती थी, अस्सलाम वालेकुम कहाँ पर हैं आप, दिल्ली से आ रहे हैं, मैंने खाना लगा दिया है। आय हाय हाय, जब ऐसी मोहब्बतें हों तो यार खैर वही, मैं तो बोलता हूँ यार दोस्त यारों में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, अपनी फैमिली को दिया करें। वो जो लम्हा गुजर रहा होता है ना आपके बच्चों के साथ, आपके अम्मी अब्बू के साथ और आपके बहन भाइयों के साथ, वो एक अलग ही होता है यार। दोस्त यार यार फिर बदल जाते हैं, पर यार ये फैमिली नहीं बदलती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करके मुझे समझाते हैं कि फहद भाई ऐसा करें ऐसा नहीं करें, फहद भाई अब न्यू जगह आप यहाँ पर जाइएगा, फहद भाई लकी बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कमेंट सबके पढ़ता हूँ पर यार टाइम ना थोड़ा सा जवाब देने में ना मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया है कि व्लॉग भी बना रहा हूँ माशाल्लाह, बर्ड्स का काम भी स्टार्ट कर रहा है, उसके बाद जॉब है, मेरी घर वालों के काम है, तो 10 चीजें हैं ना, इस वजह से बुरा मत माना करें, आपका भाई कमेंट सबके पड़ता है। चलें भाई इसको बंद करते हैं और अब नीचे घर वाले खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दस्तरखान लग गया, ये चेक करें दाल चावल और यहाँ पर आलू छोले की चाट और यहाँ पर हमारे चिकन का सालन। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। भाई मुझे दाल चावल बहुत मजे के लग रहे हैं, 70 रुपये में बेस्ट क्वालिटी है यार, मैं सही बता रहा हूँ, एक बार जरूर ट्राई करिएगा, जबरदस्त बने हुए। और चावल मुझे सबसे ज्यादा अच्छे लगे यहाँ पे, चावल बिल्कुल ऑयल में बने हुए और बेहतरीन। तो बाकी आप लोगों को पता है कि छोले की चाट तो बेहतरीन ही होती है यहाँ की। हसन आओ खाना खाओ। नहीं जल्दी से आ जाओ। ये देखें भाई ये खाना नहीं खाता है बच्चा, अभी मैं कोको निकालूंगा और उसके कंधे पर बिठा दूंगा इस बच्चे के। भाई अल्लाह का शुक्र है सालन भी खा लिया, छोले भी खा लिए और यहाँ पर दाल चावल भी खा लिए। अब आपका भाई निकलता बाहर की तरफ, अभी मजा आएगा। कहाँ जा रहा? अम्मी जरा बाहर जा रहा हूँ, कमेटी के पैसे वगैरह देने जा रहा हूँ, सब्जी वगैरह का उधार है। अम्मा जी आप खाना खा लो, मसला थोड़ी है, 100 रुपए तो अम्मा मेरी माँ हो। हाँ, मैं 100 रुपए अम्मी हो जाने तो 50 रुपए भी होंगे तो लूंगी। अच्छा मैं जो आपको इतनी दूर लेके गया था 6 नंबर और मेरा 250 रुपए का पेट्रोल लगा है वो औलाद हो औलाद करेगी नहीं अम्मा 100 रुपए है छोड़ दो आप। नहीं भाई नहीं, मैं पानी नहीं। वो देखो हसन भी हंस रहा है, क्यों हंस रहे हो भाई जान? देखो दादी दादी 100 रुपए मांगनी असल नजर आए। अभी दे देते अम्मा को भाई। चले भाई इस वीडियो को यहाँ पर मैं एंड करूंगा, अभी मैं बाहर निकलूंगा कमेटी के पैसे देने, बाहर कोने पे सब्जी वाला है उसका हिसाब किताब पूरा करना है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जाते जाते आपने एक काम करना है, चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो मिल सके। अरे बोला दादी को पैसे दो। अल्लाह हाफिज। अम्मा ये गलत बात है, आप मुझे एक तो मार्केट लेकर गई, ऊपर से आप 100 रुपए भी वापसी ले रही हो। नहीं लेकर जाओगे तो कौन लेकर जाएगा? तो आप 100 रुपए तो दे दो। अच्छा तो दे दो वापसी। नहीं भाई नहीं।